आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए फ्यूचर टेंस पढ़ रहे थे, पहला था कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस पढ़ा था आपने। आज पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यह टेंस निम्न कार्यों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। फ्यूचर में किसी निश्चित समय पर काम समाप्त हो चुकेगा, इसके साथ प्रायः बाय और बिफोर बाय टाइम का प्रयोग होता है। अन्य क्लॉज जुड़ा होने पर वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा होता है। कुछ वाक्यों में फ्यूचर की भी व्यक्त नहीं होता, बल्कि होने वाला विश्वास भी उच्चारित हो चुका है। जैसे यू विल हैव हियर्ड अबाउट पंडित नेहरू, तुमने पंडित नेहरू के बारे में सुना होगा। ठीक, यू विल हैव नोन दिस न्यूज, तुम्हें खबर, तुम्हें ये खबर मालूम हो चुकी होगी। इसका स्ट्रक्चर है, इसका फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट के साथ शाल है या विल है का प्रयोग होगा, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होगा ये और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, ये आता है अफर्मेटिव। पहला है शब्द सूर्योदय होता है, इसके पूर्व स्नान कर चुकेगा। ठीक है, फ्यूचर में हमेशा आएगा, करेगा, होगा, इस प्रकार के जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ही विल हैव, ही के साथ विल लगेगा। ठीक है, ही विल आएगा और दे, तो दे चाल लगेगा। ठीक, ही विल हैव टेकन बाथ बिफोर द सन राइजेस, अधिकारी के आने के पहले क्लर्क लोग कार्य शुरू कर चुके हैं। The clerks will have begun work before the begun, मतलब वर्क का थर्ड फॉर्म आया। ठीक, थर्ड मेरे स्टेशन पहुंचने की पूर्व ट्रेन आ चुकी होगी। The train will have arrived, यानी अराइव का थर्ड फॉर्म अराइव होगा। ठीक, हम फल खरीद चुके होंगे, we shall have bought, buy का जो है वो थर्ड फॉर्म bought होता है, तो bought fruits होगा। में आता है अफर्मेटिव, हमारे वहां पहुंचने के पूर्व सूर्य अस्त हो चुका होगा। द सन विल हैव सेट बिफोर वी रीच देयर, व्यापारी शक्कर बेच चुका होगा। द मर्चेंट विल हैव सोल्ड शुगर, पिताजी पत्र लिख चुके होंगे। तो फादर विल हैव रिटर्न द लेटर, एक लड़का गेंद फेंक चुका होगा। The boy will have thrown the ball. तुमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुना होगा। You will have heard about लक्ष्मीबाई, the रानी of झांसी। Then गोपाल पतंग उड़ा चुका होगा। गोपाल will have flown, यानी फ्लो का जो है थर्ड फॉर्म फ्लोन होगा, kites। अब आता है अगला नेगेटिव, उसमें फॉर्मूला है सब्जेक्ट will have या shall, फिर लगाना है not लगाना है, have verb का second form, third form object। ठीक, मैंने यह कार्य नहीं किया, लिया होगा। I shall not, I के साथ shall का use होगा। I shall not have done this work। third है उसके पिताजी अभी तक आए नहीं होंगे। His father will not have come by this time। और कलाकार ने तस्वीर बनाई नहीं होगी। द आर्टिस्ट विल नॉट हैव ड्रोन, ड्रो का थर्ड फॉर्म ड्रोन होता है। द फाइव किसानों ने चावल नहीं उगाए होंगे। द फार्मर्स विल नॉट हैव ड्रोन क्रॉप्स। नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव, सपोज विल शाल हैव सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या बुनकर कपड़ा बुन चुके होंगे। विल द Viewers have the woven clothes. Second, क्या व्यापारी शक्कर प्रदान नहीं कर चुके होंगे। Will the merchants not have supplied sugar? क्या उन्होंने दूध को चलाया नहीं होगा। Will they not have stripped milk? क्या यात्री ने दरवाजा थपथपाया होगा। Will the passenger have stopped the door? क्या वर्षा हो चुकी होगी। Will it have rained? Question mark. ठीक है, तो स्टूडेंट ये सारे हो गए। होमवर्क है आपको।
होमवर्क या आपको दे रही हूँ, फ्यूचर टेंस में इसको कन्वर्ट करना है, इसके स्ट्रक्चर को आपने पढ़ा समझा अच्छे से तो ट्रांसलेशन करना, हिंदी में दे रही हूँ तो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, गाय पानी पी चुकी होगी। दूसरा है शिक्षक पाठ पढ़ा चुके होंगे। थर्ड प्रचंड महोदय विद्यालय आ गए होंगे। फोर लड़के भाग नहीं गए होंगे। फाइव बस ने चौराहा पार नहीं किया होगा। सिक्स सेवन क्या तुम धन खर्च कर चुके होंगे, क्वेश्चन मार्क। एट क्या उसने यह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली होगी। नाइन क्या गीता कपड़े धो चुकी होगी। टेन मैच कौन जीत चुका होगा। ठीक, तो आप इसको करिए अच्छे से और बहुत अच्छे से परीक्षा की तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।